नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबका। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा के मालिक शोएब खान के घर में घुसकर अपराधियों ने की फायरिंग, स्कूल मालिक का बेटा हुआ घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रमंडल स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में आयुक्त मयंक बड़बड़े ने की दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में चल रहे विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। मैराथन बैठक में अफसरों को कार्य प्रगति में तेजी लाने के निर्देश। 27 सितंबर को समाजवादी पार्टी देश में किसान मार्च का करेगी आयोजन, दिया जाएगा महाधरना भी, पत्रकारों से बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या से आक्रोशित हुआ सवर्ण संगठन, कहा बिहार में सवर्ण नेताओं की हत्याओं की हो रही साजिश, सीबीआई जांच की मांग। 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा संघ के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, दिया एक दिवसीय धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के नए परीक्षा नियंत्रक के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने संभाली कुर्सी, कहा कई नए काम किए जाएंगे विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित, 27 सितंबर को राजभवन पटना में होने वाली कुलपतियों की बैठक की तैयारियों पर गहन विचार। संस्कृत विश्वविद्यालय में तरंग प्रतियोगिता आयोजित, कई विधाओं का चला दौर। और आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित मैथिली धारावाहिक विद्यापति पर समीक्षा गोष्ठी से सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी देर। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर, बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरा मेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। अ प्राउड मोमेंट फॉर दरभंगा, कोचिंग क्रिएट्स हिस्ट्री, बायोलॉजी एट द रेट फिंगर टिप्स, दिघी वेस्ट प्रोफेसर कॉलोनी दरभंगा, बाय डॉक्टर एम मनोहर XLN कोटा। दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला लहेरिया सराय दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विद ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन, स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल विरदीपुर दरभंगा, CBSE करिकुलम, क्वालिफाइड टीचर्स फ्रॉम दार्जिलिंग, 5-acre कैंपस विथ ह्यूज प्लेग्राउंड, कंप्यूटर क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV सर्विलांस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी,
कमिंग अप इन फ्यूचर फुल्ली एयर कंडीशन क्लासेस स्विमिंग पूल शूटिंग रेंज एंड एयर कंडीशन हॉस्टल फॉर मोर डिटेल्स डायल 9431460027 9430014701 एंड 9709334301 रैंक की गारंटी के साथ मेडिकल आईआईटी जेईई फाउंडेशन की तैयारी कराने वाला पहला संस्थान साथ ही स्कूल एवं कोचिंग एक साथ एक जगह पढ़ें वेब ग्लोबल एवं महिंद्रा ट्रैक्टर्स वेस्ट दोनार चौक दरभंगा फॉर क्लास 6 टू 12 स्कूल बोर्ड एनटीएसई ओलंपियाड आईआईटी जेईई मेडिकल फ्री स्टडी मटेरियल फुल्ली एसी क्लासरूम्स होस्टल फैसिलिटी सीसीटीवी सर्विलांस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल ऑल्सो प्रोवाइडेड ऑनलाइन क्लासेस एक्सपीरियंस फैकल्टी फ्रॉम दिल्ली एंड कोटा आईआईटीएंस एंड मेडिकोज फॉर मोर डिटेल्स डायल 8271512141 इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा Quality education with best transport facility, all the vehicles are enabled with GPS, rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance, regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development, no readmission charges for old students. 5 acres environment friendly campus, all classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 7763819774, Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Duniya, a Pathshala of Excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Raj Kumar Ganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, Pre-Nursery, Nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109-63547, 95258-66807 and 99347-96024. Haj aur Umrah kariye humare saath. पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन नफीसा हज एवं उमरा ट्रेवल्स बाजार समिति गेट के सामने शिवधारा दरभंगा पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उमरा के काफिले की होती रहेगी रवानगी हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 9939797 97586 और समाचार अब विस्तार से दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा के मालिक शोएब खान के घर में घुसकर अपराधियों ने की फायरिंग स्कूल मालिक का बेटा हुआ घायल मामले की जांच में जुटी पुलिस स्कूल संचालक के घर में घुसकर फायरिंग एक घायल सुशासन पर लोग उठा रहे हैं सवाल बड़ी खबर यह दरभंगा से है बिहार में एक के बाद एक हो रहे आपराधिक घटना बिहार में सुशासन पर न सिर्फ सवाल खड़े हो रहे हैं बल्कि अपराधी भी खुलेआम बिना कानून के भय के अपराध को अंजाम देकर आराम से निकल भी जा रहे हैं और पुलिस जांच के तकिया कलाम बयान के सहारे मामलों को ठंडा करने में लगी रहती है तब तक फिर एक नई घटना होती है और फिर वही जांच का भरोसा लोगों को मिलता है और पुरानी घटना ठंडे बस्ते में बंद हो जाती है अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि लोग न तो बाहर सड़कों पर सुरक्षित हैं न ही अपने घरों में ताज़ा मामला दरभंगा ज़िले के शीशो गांव का है जहां बाइक सवार दो अपराधी देर रात एक बड़े निजी स्कूल के संचालक शोएब खां के घर पहुंचते हैं आराम से घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है अपराधी पिस्टल निकाल गोली चला देता है खुशकिस्मती यह रही कि गोली चलते ही स्कूल संचालक शोएब खान का बेटा शादाब खान गोली से बचने के लिए अपने सर को एक तरफ झुका लेता है जिस कारण गोली उसके कानों को छल्ली करते हुए आगे निकल जाती है नहीं तो गोली सीधे सर में लगती और फिर उसे बचने का भी कोई मौका नहीं मिलता गोली लगते ही लड़का वहीं गिर गया जबकि घर में मौजूद दूसरा लड़का गोली की आवाज़ सुन दौड़कर बाहर आया तब तक अपराधी अपनी बाइक पर सवार होकर भाग निकले
घटना के बाद पुलिस भी मौके पर आई और सिर्फ खाना पूर्ति कर चली गई। घटना के 12 घंटे से ज़्यादा बीतने के बाद भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस न तो रात में उसे कोई सुरक्षा उपलब्ध करा पाई, न ही वहाँ कैंप की, और तो और दोबारा पीड़ित के घर जाना भी पुलिस ने मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में घर वालों के साथ साथ गाँव वालों में भी पुलिस और सरकार के प्रति गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं DSP अनोज कुमार ने पूरी घटना की जानकारी देते हुए कहा कि गोलीबारी के तुरंत बाद पुलिस उनके घर पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस की जांच जारी है। इसी क्रम में पता चला है कि इनके परिवार का कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, एक युवक को शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। आगे जांच जारी है और पुलिस ने कहा है कि जल्द ही गोलीबारी के कारणों का खुलासा होगा। कल देर रात को हम लोग इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, उसी दौरान बेल घंटी बजी तो बाहर निकल कर आया तो फिर मैंने देखा कि दो लोग थे। मैंने जैसे शीशे का गेट खोला तो पिस्टल पे नज़र पड़ी और मैं छिप गया। उसी दौरान फायरिंग हुआ तो मेरे कान पे लगते हुए निकल के गोली। मेरा तो किसी से भी कोई आपसी झगड़ा नहीं है, कोई विवाद नहीं है, पता नहीं कि मुझे टारगेट किया जा रहा। पुलिस आई थी, उन्हें बुलेट की सेल मिली है और बुलेट भी मिली। बहुत दहशत का माहौल है, पहली बार हुआ गांव में, इससे पहले कभी नहीं हुआ इस तरह से। तो रेकी करने के बाद ये घटना को अंजाम दिया गया है, सोची समझी साजिश है इस घटना में। ऐसा नहीं है कि आया और बचपना काम करके नहीं गया है, क्योंकि बचपना काम ऐसा घटना नहीं है जो कंप्लीट खड़ा है, कॉल बिल बजाता है, शकल नहीं दिखाता है, पिस्टल का नाल नज़र आता है, फायरिंग करके निकल जाता है। अनट्रेंड आदमी होगा तो पेट में मार देगा, पैर में मार देगा, लेकिन डायरेक्ट ब्रेन में मार रहा है, तो उसका टारगेट था उसको मतलब हत्या कर देना। तो सबसे बड़ी बात है, दुख की तो अफसोस की बात तो हमारा यह है कि एक DSP हमारे घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, SP हमारे यहाँ घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। इतनी बड़ी घटना घटी अभी कल मुजफ्फरपुर में, इतनी बड़ी घटना घटी, आसानी से वो दुनिया से चल गए। अब वही चीज़ से हमारे यहाँ दरभंगा के शीशों में दोहराया गया। और मतलब हम लोगों के रीजन में सबसे पहली बार घटना जो गोली चली हमारे यहाँ, फायरिंग अभी तक ऐसा माहौल हमारे यहाँ का नहीं था जो पहला बार। अब लोग दहशत में है कि करें तो क्या करें, अब लोग कैसे करें, लोग गेट खुला करके रहते थे, अब गेट में ताड़ा बना के हर ताड़ा लगा के लोग रहेंगे, ये माहौल दहशत का। वरीय पदाधिकारी हमारे यहाँ नहीं पहुँचे, थाना प्रभारी पहुँचे, समय पर पहुँचे, लेकिन वरीय पदाधिकारी कोई भी सुधी लेने वाला नहीं है कि इतनी बड़ी घटना घटी है, फिर क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। सूचना प्राप्त हुई कि उनके घर के बाहर का बेल जो है, उस लड़के लगातार बचाए, 2-3 बार बजाए, तो उनके लड़के जो है गेट खोलने गए, जैसे गेट खोलने प्रयास उसी क्रम में एक फाइल किया गया जो उनके कान के बगल से निकल गई, टच करते हुए निकल गई। इस संबंध में तुरंत जो है कि घटनास्थल पर 2-3 थाने की पुलिस पहुंची, भागने की दिशा में पुलिस के द्वारा पीछा की गई। इसी क्रम में जो है कि बात प्रकाश में आई है कि पूर्व में भी इनसे और आसपास के लोगों से कुछ आपसी विवाद हुआ था, जिसमें से एक व्यक्ति इब्राहिम नाम के व्यक्ति को पूछताछ करके लाया गया है, और अंतर इस संबंध में जो भी नाम प्रकाश में आ रही है उस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं, शीघ्र से शीघ्र उस कांड का उद्धरण किया जाएगा। प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में आयुक्त मयंक बड़बड़े ने की दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में चल रहे विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। मैराथन चली बैठक में अफसरों को कार्यगत प्रगति में तेजी लाने के दिए गए निर्देश। प्रमंडल स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त मयंक बरबरे ने दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों दरभंगा, समस्तीपुर एवं मधुबनी में चल रहे विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन की गति में और तेजी लाने को कहा। बैठक में राजस्व संग्रहण, राजस्व न्यायालयों में लंबित मामले, नीलाम पत्रवाद, निर्वाचन विभाग, 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही विभिन्न योजनाएँ तथा कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग के कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लिया गया। राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त ने सभी संबंधित विभाग यथा वाणिज्य कर, निबंधन, परिवहन, खनन, विद्युत, नगर निगम, जिला परिषद एवं नगर परिषद के अधिकारियों को प्रभावी कार्य योजना बनाकर राजस्व संग्रहण पर फोकस करने को कहा गया। वाणिज्य कर विभाग को निर्देश दिया गया कि अपने अपने अंचल में जितने भी व्यवसायी हैं उनसे नियमित रूप से रिटर्न फाइल कराना सुनिश्चित करें। वाणिज्य कर विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि GST की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित कार्यालयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। दरभंगा जिला के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों का अगला प्रशिक्षण 28 सितंबर को अंबेडकर सभागार में होगा। इस तरह के प्रशिक्षण प्रमंडल के सभी जिलों में दिए जा रहे हैं।
निबंधन विभाग के सहायक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया, खेसरा पंजी अद्यतन करने के कार्य में और तेजी लाना सुनिश्चित करें। कार्य में उदासीनता के कारण दरभंगा के खान निरीक्षक श्यामानंद ठाकुर से स्पष्टीकरण का निर्देश दिया गया। विद्युत विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्व संग्रहण के साथ साथ डिफेक्टिव मीटर को बदलने का कार्य युद्ध स्तर पर पूरा करें, क्योंकि इसके वजह से राजस्व संग्रहण प्रभावित हो रहा है। वन प्रमंडल पदाधिकारी को वृक्षारोपण एवं पूर्व में रोपे गए पौधों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने वन प्रमंडल पदाधिकारी से कहा कि पोलो ग्राउंड सहित बाईपास एवं अन्य खाली जगहों पर पौधारोपण संबंधी कार्य पूरा कराएं। जिलाधिकारी ने दरभंगा के नगर भवन तथा कमला नेहरू पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के लिए नगर एवं आवास विभाग को प्रस्ताव भेजने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया। नगर निगम, नगर पंचायत एवं नगर परिषदों के संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि नगर निकायों के आय के स्रोत को बढ़ाएं, होल्डिंग टैक्स भी सही तरीके से वसूल करें। मधुबनी के जिलाधिकारी ने बताया कि नगर परिषद मधुबनी का उन्नयन कर नगर निगम बनाने संबंधी प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया है। बैठक में भू लगान, सेस, ऑनलाइन म्यूटेशन, सैरात बंदोबस्ती एवं सैरात वसूली की भी समीक्षा की गई। निर्वाचन सूची में नाम जोड़ने, हटाने एवं दावा आपत्ति प्राप्त करने संबंधी पूरे प्रमंडल में चल रहे निर्वाचन सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यों पर ध्यान देने को कहा गया। 8 अक्टूबर एवं 21 अक्टूबर को आयोजित होने वाले विशेष मतदाता पुनरीक्षण दिवस के भी व्यापक स्तर पर तैयारी करने के निर्देश दिए गए। उप निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जो भी दावा आपत्ति प्राप्त हो उसे प्रतिदिन निष्पादित कर लें। बैठक में अभियान बसेरा, महादलित परिवारों के लिए वास योग्य भूमि, भूमि विवाद निराकरण, जमाबंदी सुधार तथा न्यायालयों में लंबित वादों के भी समय निष्पादन पर ध्यान देने को कहा गया। प्रमंडलीय आयुक्त ने श्रम विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया कि निर्माण श्रमिकों के निबंधन एवं उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित करें। लोक शिकायत निवारण कानून के तहत आने वाले मामलों को भी निपटाने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। 27 सितंबर को समाजवादी पार्टी प्रदेश में किसान मार्च का करेगी आयोजन, दिया जाएगा महाधरना भी। पत्रकारों से बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव। 27 सितंबर को समाजवादी पार्टी प्रदेश में करेगी किसान मार्च एवं महाधरने का आयोजन। पूर्व केंद्रीय मंत्री सह समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव ने रविवार को लहेरिया सराय सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि समाजवादी पार्टी संपूर्ण बिहार के जिला समाहरणालयों के समक्ष मुद्दा आधारित आंदोलन के तहत आगामी 27 सितंबर को एक दिवसीय किसान मार्च व महाधरना कार्यक्रम रखा गया है। इससे पूर्व 9 अगस्त 2018 को प्रथम चरण में पटना के JP गोलंबर गांधी मैदान से राजभवन तक समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में किसान आक्रोश मार्च निकाला गया था एवं राज्यपाल को 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में मुद्दा आधारित आंदोलन के तहत यह महाधरना दरभंगा सहित सभी जिला समाहरणालयों के समक्ष किसानों की समस्याओं एवं भू राजस्व लगान हाल के सरकारी निर्णय से बेतहाशा वृद्धि संबंधित आदेश को निरस्त करने की मांग को लेकर है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन राज्य भर में विधि व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति एवं मुजफ्फरपुर बालिका गृह सहित राज्य भर में हुए बालिका उत्पीड़न की CBI जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में कराकर त्वरित न्याय हेतु स्पीडी ट्रायल की व्यवस्था की जाए या कार्यक्रम अन्य जन समस्याओं से जुड़े 17 सूत्री मांगों को लेकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक जायज मांगों की पूर्ति नहीं होती तब तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में जेल भरो आंदोलन चलाया जाएगा। प्रेस वार्ता के मौके पर जिलाध्यक्ष मोहम्मद बशीर अहमद, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राजू मिश्रा, पूर्व विधायक राम कुमार यादव, महेंद्र कुमार पासवान सहित कई लोग उपस्थित थे। तो भू लगान राजस्व आज 1000 गुना बिहार सरकार ने बढ़ा दिया है। कल तक 20 पैसा, 40 पैसा, 48 पैसा था जमीन के प्रकार के हिसाब से। पानी में डूबे हुए जमीन का 2 पैसा प्रति कट्ठा लगान था, भू राजस्व लगान आज बढ़ के 30 रुपया कट्ठा हुआ। उसका पत्र मेरे पास है, मैं अब दे सकता हूँ। बिहार सरकार ने अभी जो जारी किया, पिछले साल किया था 5 रुपया 10 रुपया मिलेगा, माने लगेगा 5 रुपया लगेगा जो पानी में डूबा हुआ जमीन है, और जो बाहर फसल उपजाने वाली जमीन है, भीट है, उसको लगेगा 10 रुपया। उसको तुरंत तुगलकी आदेश के तहत इस साल बदल दिया। कहा नहीं, पहले कह रहा था कि हमको पैसा वसूलने में असुविधा होती है, इसलिए सामान्यकरण के लिए, रेशनलाइज के लिए हम इसको चेंज करते हैं। और एक साल के अंदर दो आदेश, अभी आदेश निकला कि नहीं, अब हम 10 रुपया 20 रुपया और 30 रुपया लेंगे। 10 रुपया लेंगे पानी में डूबे हुए जमीन का, 20 रुपया लेंगे जो एक फसल उपजेगा, और 30 रुपया लेंगे जो दोनों फसल देगा, ऐसे जमीन को 30 रुपया प्रति कट्ठा लेंगे। तो जो आदमी 20 साल 15 साल से लगान नहीं चुकाया है
उनको 50,000 से लेकर जमीन के रकबा के हिसाब से 1.5 लाख तक भुगतान करना होगा। एक कट्ठा जमीन बिक्री होगा और तब सरकार का लगान होगा। ये एक तरह से डकैती है सरकार के द्वारा, किसान के जेब पर डकैती है। ये गबर टैक्स है, ये एक तरह से जजिया टैक्स है, जो अंग्रेज के ज़माने में लगान बढ़ा दिया जाता था। जमीन लोग नहीं देते थे लगान, तो जमीन नीलाम हो जाता था। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या से आक्रोशित हुआ सवर्ण संगठन, कहा बिहार में सवर्ण नेताओं की हत्या की हो रही साजिश, सीबीआई जांच की मांग। समीर कुमार की हत्या से आक्रोशित हुए सवर्ण संगठन, कहा बिहार में सवर्ण नेताओं की हत्याओं की हो रही साजिश, हत्या की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग। मुजफ्फरपुर में सवर्ण नेता को दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर देने के मामले पर ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष उदय शंकर चौधरी ने बलभद्रपुर स्थित आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कल मुजफ्फरपुर में पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या कर दी गई, यह बहुत ही खेदजनक है और ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन संपूर्ण ब्राह्मण समाज के तरफ से इस बात का सख्त रूप से इसकी निंदा करता है, भर्त्सना करता है और साथ ही यह कहना चाहता है कि समीर कुमार पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो विगत 2-3 वर्षों से ब्राह्मण और भूमिहारों की एकता के लिए लगातार प्रयासरत थे और वो एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनकी सोच थी कि जितने भी ब्राह्मण इस बिहार में राजनीतिक कारणों से अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, वे सारे के सारे एक साथ आ जाएं। साथ ही वो सवर्ण एकता के लिए अच्छा प्रयास कर रहे थे। उनकी हत्या एक गहरी साजिश है और यह गलत भी है। इस बात को लेकर बिहार के सवर्ण समाज के लोग आंदोलित हैं। कल मुजफ्फरपुर में जो पूर्व मेयर समीर कुमार जी का हत्या की गई है, नृशंस हत्या, ये बहुत ही खेदजनक है और ऑल बिहार ब्राह्मण फेडरेशन पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज के तरफ से इस बात का सख्त रूप से भर्त्सना करता है। और साथ ही साथ ये बात बता दें कि समीर कुमार जी पहला ऐसा व्यक्ति हैं जो विगत 2-3 वर्षों से ब्राह्मण भूमिहार के एकता के लिए लगातार प्रयासरत थे और वे एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा संघ के कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार प्रदर्शन, दिया एक दिवसीय धरना। 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा विशाल प्रदर्शन के साथ एक दिवसीय धरना। दरभंगा समाहरणालय धरना स्थल पर बिहार राज्य आशा संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा विशाल प्रदर्शन के साथ एक दिवसीय धरना दिया गया। प्रदर्शन कर्पूरी चौक से शुरू होकर जिलाधिकारी के मुख्य गेट तक गया। इसी बीच सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। कार्यकर्ताएं मांगे इनकी मुख्य हैं, मानदेय बढ़ाने के साथ समय से वेतन दिए जाने की मांग ज्ञापन के द्वारा जिलाधिकारी को सौंपी गई है। वहीं आशा कार्यकर्ता अनीता देवी ने बताया कि आशा को 18,000 रुपये मासिक वेतन, आशा के बकाए वेतन का तत्काल भुगतान, एएनएम की 50% आशा को बहाली करने सहित अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर भूखे प्यासे कर्पूरी चौक से समाहरणालय तक आए हैं। हमें एक तो वेतन कम दिया जाता, ऊपर से जो भी वेतन मिलता है वह प्रखंड में रिश्वत के रूप में ले लिया जाता है और घूस नहीं देने पर नियुक्ति मुक्त कर दिया जाता है। जब नीतीश कुमार हम लोगों को भर्ती किए हैं तो मानदेय तो समय से दें। 12 सूत्रीय मांग लेके कर्पूरी चौक से लेके यहाँ तक धरना स्थल तक आए हैं पैदल, भूखे प्यासे 9 बजे से। हम लोग रात दिन हर समय 24 घंटा मेहनत करते हैं लेकिन हम लोग को कुछ नहीं दिया जाता है। जो भी पैसा राशि के रूप में आता है वो भी आशा पैसा, आधा पैसा हम लोग को ब्लॉक पर बोलता है कि जो आशा दे दीजिए तब पैसा मिलेगा, और सारा कागज रिकॉर्ड जमा कीजिए और उसके पास बात घुस दीजिए तब हम लोग पैसा देंगे, और नहीं कुछ बोलिएगा तो निकाल के बाहर कर देंगे ब्लॉक से। आशा को मैंने आशा से पद से रद्द कर देंगे, चयन मुक्त कर देंगे। फिर आज का उद्देश्य क्या है ये रैली निकलने का? आज हम लोग का है कि जो भाई नीतीश कुमार जब हम लोग को रोड पर खड़ा कर दिए मानदेय पूरा करे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में नए परीक्षा नियंत्रक के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने संभाली अपनी कुर्सी। न्यूज टुडे से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि परीक्षा विभाग में जल्द देखने को मिलेंगे कई सकारात्मक परिवर्तन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में नए परीक्षा नियंत्रक के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने सोमवार को संभाली अपनी कुर्सी। न्यूज टुडे से खास बातचीत में डॉक्टर मेहता ने कहा कि जल्द ही परीक्षा विभाग में कई परिवर्तन देखने को मिलेंगे, तत्परता से सभी कार्यों को निष्पादित किया जाएगा। अभी उनका सबसे प्राथमिक कार्य डिग्री 2 के छात्रों के रिजल्ट को सही करना है। कि विश्वविद्यालय के नियम परिनियम के तहत
छात्र हित में हो, विश्वविद्यालय हित में हो, परीक्षा विभाग के सारे कार्यों का ससमय निष्पादन हो। तत्काल हमारे समक्ष स्नातक द्वितीय खंड की परीक्षा से असंतुष्ट होके, परीक्षाफल से असंतुष्ट होके बहुत बच्चे आवेदन दिए हैं, आज तक उसका आवेदन लिया जा रहा है। पहली प्राथमिकता वही है कि उन बच्चों की शिकायत दूर हो। हम लोग देखते हैं उसका जो क्या गड़बड़ी है, किस स्तर से है, और नियत समय पर चाहेंगे कि वह काम सबसे पहले निष्पादित हो ताकि वो बच्चे अगली कक्षा में ढंग से पढ़ पाए। और अन्य सारे कार्य तो नियमित है, रूटीन वर्क है, वह भी होता रहेगा। कल से एक बात परिवर्तन नज़र आएगी कि इसकी सूचना पहले भी दी जा चुकी है कि कोई भी कार्य अब भीतर आके नहीं होगा। आज तक का समय ऐसे भी दिया गया था, वैसे अभिभावक या छात्र जिनका कार्य नहीं हो पा रहा है, बहुत कठिनाई है और उसका भीतर आना अनिवार्य है किसी जानकारी देने के लिए, तो वो अनुमति लेके आएंगे। वहाँ जो दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा, वहाँ पर्ची रहेगी और उनको अनुमति मिलने पर प्रवेश मिलेगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित। 27 सितंबर को राजभवन पटना में होने वाली कुलपतियों की बैठक के लिए तैयारियों पर हुआ गहन विचार। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस के सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। यह मीटिंग मुख्यतः 27 सितंबर को राजभवन में होने वाली कुलपतियों की बैठक के मद्देनजर आयोजित की गई। राजभवन में गत बैठक 30 जून 2018 को हुई थी। उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए थे और कुछ कार्य करने का निर्देश दिया गया था। उसके रिपोर्ट के संबंध में सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। ज्ञातव्य हो कि कुलपति सबों को साथ लेकर विचार विमर्श कर तैयारी के साथ अपने विश्वविद्यालय का पक्ष रख रहे हैं, जिस कारण राजभवन में भी विश्वविद्यालय की छवि अच्छी बन रही है। कई मामले में विश्वविद्यालय के कार्यों को काफ़ी सराहा गया है। सर्वप्रथम लंबित परीक्षाओं के संचालन पर विचार किया गया और सत्य नियमितीकरण की दिशा में कार्य करने का निर्देश दिया गया। स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर की परीक्षा सहित स्वपोषित कोर्सों की परीक्षा कराने पर चर्चा हुई। सत्र 2017-2019 की परीक्षाओं से सत्र नियमित हो जाने की संभावना है। बीएड महाविद्यालय को पोस्ट बीएड ऐप के माध्यम से तस्वीर पोस्ट करनी है। महाविद्यालय निरीक्षक को कहा गया है कि वे सुनिश्चित करें कि इसका अनुपालन सही ढंग से हो। पेंशन अदालत प्रत्येक माह में लगाई जा रही है। जुलाई 2018 में कुल 23 मामले आए थे, जिनमें 21 मामलों का निपटारा कर दिया गया। अगस्त में 29 मामले आए थे, जिनमें सभी का निपटारा कर दिया गया। सितंबर में शिक्षक दिवस के कारण अदालत नहीं हो सकी। अब 5 अक्टूबर को पेंशन अदालत होनी है। न्यूज टुडे पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, फौरन लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर। इजी फाइनेंस भी अवेलेबल। पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर वन रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम आरएस ऑटो शिवधारा दरभंगा में। 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वाल्व्स इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ। आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट मिर्जापुर दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलेन सॉली, वैन हुसैन, ली रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश, श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा, गर्लिस लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में, नाडा ब्रिक्स।
कमतौल रोड शीशो दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव, एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30-35% की बचत, ईंटों की खपत भी 10% तक कम, समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत, मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत, इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद का स्वागत, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर देंगे हेडलाइंस। दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा के मालिक शोएब खान के घर में घुसकर अपराधियों ने की फायरिंग, स्कूल मालिक का बेटा हुआ घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रमंडल स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में आयुक्त मयंक बड़बड़े ने की दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में चल रहे विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। मैराथन बैठक में अफसरों को कार्य प्रगति में तेजी लाने के निर्देश। 27 सितंबर को समाजवादी पार्टी देश में किसान मार्च का करेगी आयोजन, दिया जाएगा महाधरना भी, पत्रकारों से बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या से आक्रोशित हुआ सवर्ण संगठन, कहा बिहार में सवर्ण नेताओं की हत्याओं की हो रही साजिश, सीबीआई जांच की मांग। 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा संघ के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, दिया एक दिवसीय धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के नए परीक्षा नियंत्रक के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने संभाली कुर्सी, कहा कई नए काम किए जाएंगे विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित, 27 सितंबर को राजभवन पटना में होने वाली कुलपतियों की बैठक की तैयारियों पर गहन विचार। संस्कृत विश्वविद्यालय में तरंग प्रतियोगिता आयोजित, कई विधाओं का चला दौर। और आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित मैथिली धारावाहिक विद्यापति पर समीक्षा गोष्ठी सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। कामेश्वर सिंह, दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में तरंग प्रतियोगिता आयोजित, कई विधाओं का चला दौर। दरबार हॉल में तरंग प्रतियोगिता आयोजित, कई विधाओं का चला दौर। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में सोमवार को तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन डीन प्रोफेसर शिवाकांत झा एवं सीसीडीसी प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से किया और प्रतिभागियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की। उक्त जानकारी देते हुए पीआरओ निशिकांत ने बताया कि शास्त्रीय संगीत एकल, उप शास्त्रीय संगीत, भजन व गजल एकल, लोकगीत एकल, समूह गान, वाद विवाद, नाटक, हास्य व्यंग, तबला वादन समेत कई विधाओं में करीब 75 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मंगलवार को ललित कला में चयन प्रतियोगिता चलेगी, यह कार्यक्रम 11 बजे शुरू होगा। इसके बाद ही दोपहर बाद एकलव्य व तरंग प्रतियोगिता 2018 संपन्न हो जाएगी। नोडल ऑफिसर डॉक्टर सत्यवान कुमार व शारीरिक अनुदेशक पवन साहनी के संयुक्त संचालन में चले कार्यक्रम में प्रोफेसर शशिनाथ झा, डॉक्टर महानंद ठाकुर, सेलेक्टर मदन राय, प्रशाखा पदाधिकारी डॉक्टर अनिल कुमार झा समेत संगीत और ललित कला के शिक्षक मुख्य रूप से मौजूद थे। आकाशवाणी दरभंगा से सत्य प्रसारित मैथिली धारावाहिक विद्यापति पर समीक्षा गोष्ठी सह सम्मान समारोह का आयोजन एमएमटीएम कॉलेज दरभंगा में हिंदी विभाग द्वारा आयोजित हुआ। आकाशवाणी दरभंगा से सद्य प्रसारित मैथिली धारावाहिक विद्यापति पर समीक्षा गोष्ठी सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। महाराज महेश ठाकुर मिथिला महाविद्यालय दरभंगा में हिंदी विभाग द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित हुआ महाविद्यालय के। अब यहाँ स्थिति है कि मैं हमसे सीनियर हमारे आसपास के जो लोग हैं उन्होंने गोविंद कौन रटने में सातोते तामते रटने में गुरु की मार खाई ऊपर आइए ना तो समापन की अब बच्चे व्याकरण करने में शर्म महसूस करते हैं। तो जो सुनने वाला है मैं हूं, मुझको कितना भी आप खिलाएंगे, मैं अपने नजरिए से ही संगीत को देखूंगा। अभी मैं बैठा हुआ था, पहला डिस्कोर्स बजाना, मैं कार्यालय में रहता था, मुझको इतना ज्यादा जिम्मा दे दिया गया, दिक्कत से समय निकाल पाता था। हेड ऑफ ऑफिस वीडियो बहुत तरह की बातें थी, मैं बहुत सारे क्लासेस थे जो उनको निपटाने थे, उनके अध्यक्ष यहाँ हमारे कार्यक्रम में बैठे हुए हैं और भी प्राध्यापक यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो सारी भूमिका उन्हें निभानी पड़ी। वो खेद व्यक्त कर रहे हैं लेकिन खेद व्यक्त करने से वो होगा नहीं, परंपरा फिर से एक बार टूटे मंजूर है। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर सतीश कुमार सिंह को। रामचरितमानस में राम जन्म का जब प्रसंग आता है तो वहां तुलसीदास ने
एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, कहा कि जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। और आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित विद्यापति धारावाहिक पर जब मैं विचार करता हूँ तो बार बार मुझे तुलसीदास की ये पंक्तियाँ मेरे जीवन में कौंध जाती हैं। जब कुछ अच्छा होना होता है तो सारी परिस्थितियाँ अनुकूल होती चली जाती हैं। विद्यापति धारावाहिक आकाशवाणी द्वारा जो प्रसारित भेल ओकर परिचर्चा गोष्ठी में अहाँ लोग उपस्थित भेलहुँ हैं। हमरा ई धारावाहिक जखन श्याम भास्कर जी कहलनि जे हम तैयार कऽ रहल छी आकाशवाणीसँ प्रसारित हैत, हमरा रेडियो नहि छल, हम रेडियो खरीदलहुँ आओर ई सुनबाके सौभाग्य हमरा भेल। हम 13 एपिसोड तऽ नहि सुनि सकलहुँ लेकिन 12 एपिसोड ई विद्यापति धारावाहिकके जे प्रसारण भेल आकाशवाणीसँ 13 एपिसोडमे, एकर लेखक श्याम भास्कर जी, आओर श्याम भास्कर जीके जे कल्पना रहलनि हन से बहुत सराहनीय, आओर एहिमे जे भूमिकामे जे कलाकार सबके ओ सेलेक्शन केलथि, ओ मने एहन प्रतिभाके छाँटि छाँटिके एहिमे मतलब रोल देलखिन, भूमिका देलखिन जे ओहि धारावाहिकके शूट करै। लिटरेचर नेचर एंड एनवायरनमेंट प्रिजर्वेशन पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित हुआ समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर। लिटरेचर नेचर एंड एनवायरनमेंटल प्रिजर्वेशन इस विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने की। कीनोट स्पीकर के रूप में प्रोफेसर प्रभात कुमार मौजूद थे, प्रोफेसर एसएन तिवारी, प्रोफेसर क्रांति कुमार और विद्यार्थी इस मौके पर हुए उपस्थित। मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में बैठक आयोजित हुई और निर्णय हुआ कि आगामी 28 अक्टूबर को दरभंगा में किसानों की दशा और दिशा पर एक दिवसीय सेमिनार आयोजित किया जाएगा। मिथिला राज्य संघर्ष समिति के तत्वावधान में एक विस्तारित बैठक हुई जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 28 अक्टूबर को दरभंगा में किसानों की दशा और दिशा पर एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर सत्यनारायण महतो दलसिंह सराय की अध्यक्षता में होगा। इस सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष रामनारायण झा होंगे और स्वागत सचिव डॉक्टर नवल किशोर सिंह यादव। इस सम्मेलन में दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, तिरहुत, मुंगेर, भागलपुर, दुमका, झारखंड कमिश्नरी के प्रतिभागी भाग लेंगे। साथ ही नेपाल में संवैधानिक मिथिला राज्य के लिए संघर्षरत संगठन के 2 पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। मुख्य रूप से नेपाल से आने वाली नदियों के उचित प्रबंधन, चीनी और जूट मिल को नवीन टेक्नोलॉजी से पुनः चालू करना, किसान की खेती को लाभदायक बनाना लक्ष्य होगा। जब धान उपजाने वाले किसानों को 100% सब्सिडी जापान सरकार देती है और आमदनी किसान को देती है और गोपालक को अमेरिका $15,000 सालाना सब्सिडी देती है तो यहाँ भी यह दिया जाना चाहिए। अध्यक्षता प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने की बंगाली टोला स्थित कार्यालय में। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में NSS के विशेष शिविर का होगा शुभारंभ, 2 अक्टूबर को होगा समापन। NSS के विशेष शिविर का शुभारंभ 2 अक्टूबर को होगा समापन। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना के स्नातकोत्तर इकाई द्वारा सोमवार को विशेष शिविर का शुभारंभ किया गया। यह शिविर अगले 2 अक्टूबर तक चलेगा। PRO निशिकांत ने बताया कि स्नातकोत्तर इकाई के कुल 30 स्वयंसेवक इसमें भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर पुरेंद्र वारिक ने की, जबकि व्याकरण विभाग के डॉक्टर दयानाथ झा ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर राम प्रवेश पासवान के मंच संचालन में हुए कार्यक्रम को संयोजक डॉक्टर सत्यवान कुमार, डॉक्टर रेणुका सिंहा, शुभेंदु पाठक, मनोरंजन झा, प्रियांशु राज समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इस अवसर पर स्नातकोत्तर विभाग के सभी शिक्षक और छात्र छात्राएँ उपस्थित थे। शाह मोहम्मद समीम दरभंगा नगर जदयू मीडिया सेल के संयोजक बनाए गए, बधाइयों का सिलसिला जारी। शाह मोहम्मद समीम दरभंगा नगर जदयू मीडिया सेल के संयोजक मनोनीत। दरभंगा नगर के मिश्र टोला दिग्गी पश्चिम निवासी शाह मोहम्मद समीम को जनता दल यूनाइटेड के मीडिया सेल का दरभंगा नगर संयोजक बनाया गया है। जदयू मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप ने समीम के मनोनयन का पत्र जारी करते हुए आशा जताई है कि इनकी नियुक्ति से पार्टी को लाभ मिलेगा।
श्री शमीम ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह और मीडिया प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप के साथ जिलाध्यक्ष सुनील भारती और नगर अध्यक्ष दीदार हुसैन उर्फ चांद अंसारी का शुक्रिया अदा किया है। इनके मनोनयन से नगर जदयू में खुशी है और कार्यकर्ताओं ने इन्हें बधाई दी है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में सुनी छात्रों की समस्याएं। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों की समस्याओं को सुना। विगत वर्षों से, लगभग एक आध वर्षों से हम लोगों ने छात्रों के कल्याण के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा जो है यहाँ पर प्रत्येक सोमवार को छात्र अदालत लगाया जाता है और उसी परंपरा की भांति आज भी हमारे यहाँ लगभग सैकड़ों छात्रों की समस्याओं का समाधान किया गया। कई छात्र ऐसे पीड़ित थे जो बेगूसराय से आए हुए थे, मधुबनी से आए हुए थे, कई दिनों से चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अंततः उन्होंने वो मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पास आए और उन्हें अपना सॉल्यूशन मिला। हम अपने संगठन के माध्यम से तमाम छात्रों का आह्वान करना चाहते हैं कि आपके पास जो भी समस्या हो, आप अपनी समस्या को लेकर के प्रत्येक सोमवार मिथिला स्टूडेंट यूनियन के छात्र अदालत में आइए। मूल रूप से कहना ये है, जो अभी जो पीजी में जो नामांकन चल रही है उसमें बच्चों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विश्वविद्यालय के कोई भी प्राधिकारी उन बच्चों की समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं और हम लोग छात्र लगा के जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। सीआरआई पंप एवं पाइप के विक्रेताओं ने व्यवसायियों का मिलन समारोह किया। सीआरआई पंप एवं पाइप के विक्रेता व्यवसायियों का मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में कंपनी के कई पदाधिकारी और व्यवसायी शामिल हुए। सीआरआई कंपनी द्वारा जो है एक सब डीलर मीट अरेंज किया गया है, जिसमें हमारे बहुत सारे व्यापारी दरभंगा जिला, मधुबनी जिला और से आए हुए हैं और इसमें जो है हमारे कंपनी के एरिया मैनेजर मोटर एंड पंप्स के और यूपीवीसी पाइप और सीपीवीसी पाइप क्या है, यहाँ प्रोडक्ट की जानकारी दी जाएगी और इसका जो विशेषता है उसके बारे में समझाया जाएगा। अभी हम लोग जो है ना लगभग पंप सेक्टर के लगभग हर तरह के जो है पंप का मैन्युफैक्चरर हमारी कंपनी है, ठीक है। दूसरा, अभी हम लोग न्यूली लॉन्च जो है पाइप प्लम्बिंग में भी जो है आए हुए हैं, लगभग सारे पाइप का रेंज लेके, ठीक है। दूसरे कंपनी के उत्पाद के अगेंस्ट में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बहुत सारा ऐसा एडवांस पंप बनाते हैं जो मार्केट में अदर कंपनी के पास अवेलेबल नहीं है या फिर उतना मतलब कैपेसिटी नहीं है, उतना डिस्चार्ज नहीं है, उतना ड्यूरेबिलिटी नहीं है। ये जब तक समाचार बदलेंगे आपसे, नजरें पर डालेंगे हेडलाइंस। दिल्ली पब्लिक स्कूल दरभंगा के मालिक शोएब खान के घर में घुसकर अपराधियों ने की फायरिंग, स्कूल मालिक का बेटा हुआ घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। प्रमंडल स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में आयुक्त मयंक बड़बड़े ने की दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर में चल रहे विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा। मैराथन बैठक में अफसरों को कार्य प्रगति में तेजी लाने के निर्देश। 27 सितंबर को समाजवादी पार्टी देश में किसान मार्च का करेगी आयोजन, दिया जाएगा महाधरना भी, पत्रकारों से बोले पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव। मुजफ्फरपुर के पूर्व मेयर समीर कुमार की हत्या से आक्रोशित हुआ सवर्ण संगठन, कहा बिहार में सवर्ण नेताओं की हत्याओं की हो रही साजिश, सीबीआई जांच की मांग। 12 सूत्री मांगों को लेकर आशा संघ के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, दिया एक दिवसीय धरना। मिथिला विश्वविद्यालय के नए परीक्षा नियंत्रक के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार मेहता ने संभाली कुर्सी, कहा कई नए काम किए जाएंगे विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग में। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति की अध्यक्षता में सभी अधिकारियों की बैठक आयोजित, 27 सितंबर को राजभवन पटना में होने वाली कुलपतियों की बैठक की तैयारियों पर गहन विचार। संस्कृत विश्वविद्यालय में तरंग प्रतियोगिता आयोजित, कई विधाओं का चला दौर। और आकाशवाणी दरभंगा से प्रसारित मैथिली धारावाहिक विद्यापति पर समीक्षा गोष्ठी सह सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा।
हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं हमारा चैनल, जबकि जीटीपीएल केबल के 986 नंबर पर आप देखिए आपका पसंदीदा न्यूज टुडे दरभंगा। यूट्यूब पर भी आप सर्च कर सकते हैं। विदा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।